नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, सीजेड विनाश की तरफ से एक ट्वीट आया है क्लासिक लूना के ऊपर। क्लासिक लूना को लेकर दोस्तों कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं। सो, आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिक लूना कॉइन के बारे में, एलयूएनसी कॉइन के बारे में। क्या कुछ हो सकता है दोस्तों क्लासिक लूना का फ्यूचर, क्या इसमें दोस्तों कुछ और जीरो एडिशन होगा या फिर दोस्तों इसमें से कुछ जीरो हमें यहाँ पर किल होता हुआ दिखेगा। क्लासिक लूना का इकोसिस्टम माइग्रेट हो रहा है दोस्तों धीरे धीरे, अगर आप देखोगे पॉलीगॉन मैटिक पे। सो, आज के वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे आखिरकार लूना टोकन का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या कुछ चल रहा है दोस्तों लूना कॉइन में। सो, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो कुछ रिसेंटली अपडेट की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ट्रेंडिंग पे है कॉइन नंबर 2 पे रैंक कर रहा है और 9.56% या माइनस के साथ है। कुछ पॉजिटिव बात करेंगे तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो टुडेस टॉप 5 सर्च कॉइन ऑन कॉइन EX, इसमें भी दोस्तों नंबर 3 पे रैंक कर रहा है क्लासिक लूना कॉइन। जैसे कि दोस्तों आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा CMC पे अगर यहां पर देखोगे तो अपडेट अकॉर्डिंग टू CMC मार्केट कैप डाटा LUNC इंक्रीज बाय 52% ओवर द फास्ट 30 डेज, यानी कि लास्ट 30 दिनों में अगर लूना टोकन का यहाँ पर देखेंगे तो 52% ग्रीनरी के साथ है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, प्रोजेक्ट्स आर वेयर फॉर्मली रनिंग ऑन टेरा ब्लॉकचेन टुगेदर टू ट्रांजेक्शन द पॉलीगॉन इकोसिस्टम, मोर देन 48 टेरा प्रोजेक्ट्स माइग्रेटेड टू पॉलीगॉन सिंस मेज USD डिपेजिंग। मतलब दोस्तों टेरा लूना का इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट्स थे मई महीने के बाद, यानी कि जब से डिपेजिंग हुआ है उसके बाद से अभी तक लेके 48 प्रोजेक्ट जो कि दोस्तों पहले टेरा लूना का ब्लॉकचेन पे थे, अभी दोस्तों वो शिफ्ट कर गए, माइग्रेट कर गए हैं पॉलीगॉन मैटिक चेन पे। सो यहाँ पर एक चांस बन जाता है पॉलीगॉन मैटिक के जितने भी होल्डर्स है उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट बन जाता है, क्योंकि दोस्तों इतना सारा प्रोजेक्ट एक साथ अगर दोस्तों उस पर आता है तो वहां कहीं ना कहीं दोस्तों इसका यूटिलिटी केस बढ़ेगा, जिससे उसमें दोस्तों प्राइस में हमें अच्छा खासा पंप दिख सकता है। बाकी अगर यहाँ पर बात करेंगे रिसेंटली कुछ नेगेटिव बातें कि आप देख सकते हो दिस इवेंट इम्प्लीमेंटेड ऑन द लूना ब्लॉकचेन राइट शुड बी हैपेंस इट्स फर्स्ट। मतलब कुछ ही दिनों पहले दोस्तों जैसे कि लूना का 1.2% बर्निंग यहाँ पर विनाश के प्लेटफॉर्म में होना था, यानी कि जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसका 1.2% बर्न आउट करने का जो रिकवरी प्लानिंग था लूना टोकन का, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का बात बताया गया है। सीजेड विनाश को यहाँ पर बहुत बार बोला गया है कि आप इम्प्लीमेंट करो, बट यहाँ पर सीजेड विनाश कह रहे हैं कि पहले आप अपने चेन में खुद के तरफ से ये चीज को इम्प्लीमेंट करो। मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन होता है टेरा लूना का ब्लॉकचेन पे आप 1.2% का बर्निंग करो, उसके बाद सीजेड विनाश अपना प्लेटफॉर्म विनाश पे जितना ट्रांजेक्शन होगा LUNC का उसको बर्नआउट करेंगे। सो ये करेक्ट और सही बात है सीजेड विनाश की तरफ से। अगर आप खुद जो चीज नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वही चीज वो करे। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव बातें भी है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो सीजेड विनाश की तरफ से अगर 1.2% बर्निंग किया जाता है तो 1.2% दोस्तों यहाँ पर टेरा लूना खुद का ब्लॉकचेन पे ही करेगा और 1.2% दोस्तों इसका मेटावर्स गेम में जितना ट्रांजेक्शन होगा उसमें भी बर्नआउट होगा। सो बर्निंग रेशियो दोस्तों कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीज होने का यहाँ पर एक चांस बन जाता है। बट जैसे कि मैं आपको बताया था बहुत सारे यहाँ पर कॉइन्स अभी शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है पॉलीगॉन मैटिक चेन पे, तो यहाँ पर हमें कुछ डाउनफॉल भी इस कॉइन में देखने मिल सकता है। ऑलरेडी दोस्तों कॉइन काफी डीप में है, मतलब जीरो के वैल्यूएशन पे है और इससे भी डीप में जा सकता है। सो इस कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों अच्छी तरह से माइंडसेट कर लो, क्योंकि ये एक डूबता हुआ कॉइन है, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनको दोस्तों यहाँ पर पंप मिल सकता है, बट अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर एक खतरा दिख सकता है।